अच्छा स्टूडेंट, हम जो 12.11 प्रॉब्लम कर रहे हैं उसमें एक पार्ट कर लिया हमने। बी पार्ट जो है, देखें टोटल एनर्जी ऑफ द एटम, ये हमने करना है। टोटल एनर्जी जो है वो किस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है, इसका फार्मूला देखें। टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है? एक काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है और एक पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वेयर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे हमारे पास क्यू इंटू वी की फॉर्म में है, क्योंकि वर्क डन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डब्ल्यू जो है वो क्यू वी के इक्वल है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, क्यू की जगह ई लिख देंगे, ठीक है। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इसके लिए। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी? हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस ई वी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे स्टूडेंट, हमें पता है वैल्यूज़। एम की वैल्यू गिवन है 9.1 इंटू 10^-31, वी की वैल्यू 2.18 इंटू 10^6 होल स्क्वेयर आ जाएगा। माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ई की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10^-19, और वी क्या है? 27.22। ये चीज़ हमने लिख दी। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको स्केयरिंग करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ गया 21.7 इंटू 10^-19 जाउल्स, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आया? -1.6 इंटू 10^-19 मल्टीप्लाई बाय 27.22 जाउल्स, ये आ गया। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे देखें कि ई टी टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या आएगी, हम इसको डिवाइड करेंगे। आपको पता है जाउल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लेके आना है तो हम क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10^-19 से। तो जब इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10^-19 से, तो आंसर क्या आएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 19 आपस में ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा 10^-19। और इसके लिए भी आप देखें, इसको भी डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10^-19 से, तो ये आंसर आ जाएगा 27.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपस में हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -13.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी इतनी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपको कन्वर्जन करना समझ आ गया होगा, मैंने आपको जब आर्टिकल समझाया था जाउल्स और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, तब भी मैंने आपको बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-19 जाउल्स, ठीक है। तो अब उसको कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने डिवाइड करना है 1.6 इंटू 10^-19 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर। आगे नेक्स्ट हमने सी पार्ट क्या कैलकुलेट करना है? आयनाइजेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई आयनाइजेशन, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये क्या है, किस तरह से करेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसकी डेफिनेशन देखें कि क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू द स्टेट एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम जो है ये क्या होगा? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी माइनस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट ग्राउंड स्टेट। जो इन्फिनिटी पॉइंट पर हमारे पास एनर्जी है उसको माइनस कर देंगे ग्राउंड स्टेट पे। आपको पता है इन्फिनिटी को हमने ज़ीरो रेफरेंस लेवल कंसीडर किया होता है और वहाँ पे एनर्जी ज़ीरो होती है, और ग्राउंड लेवल पे जो एनर्जी है वो हमने ये अभी निकाली है, टोटल एनर्जी 13.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगी 13.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ठीक है। और ई इन्फिनिटी माइनस ई ग्राउंड, ये आ जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। टोटल ज़ीरो लिखेंगे इन्फिनिटी की जगह, और ग्राउंड की जगह हम क्या लिख देंगे? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी आफ्टर सब्सट्रैक्शन? हमारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी दैट विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आ जाएगी। मीन्स के वही एनर्जी जो है वो हमारे पास आ जाएगी जो कि हमारे पास आई थी आयनाइजेशन एनर्जी, जो टोटल एनर्जी जो है वो आई थी वही हमारे पास क्या आ जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी विद
पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसकी फाइनल वैल्यू आ गई, हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं, वोल्टेज पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी निकाल ली है, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी निकाल ली है हमने, टोटल एनर्जी जो है वो भी निकाल ली है, और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी हमने फाइंड आउट कर ली।